ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रियंका जी। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने सोमवार रात अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट करके फैंस को अपनी शादी की जानकारी दी है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। विराट और अनुष्का की शादी इटली के तस्केनी के करीब 800 साल पुराने एक गांव में हुई। विराट और अनुष्का अब 21 दिसंबर को दिल्ली में रिसेप्शन देंगे। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के ग्लेनिक बीच पर सेल्फी लेना भारतीय फुटबॉलर्स को महंगा पड़ गया। तेज लहरों में दिल्ली की 5 छात्राएं बह गई। इनमें से एक नितिशा नेगी को बचाया नहीं जा सका, बाकी 4 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी फुटबॉलर्स 3 दिसंबर से शुरू हुए पैसिफिक स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया गई थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और उच्चायुक्त के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की डिनर पार्टी का मामला तूल पकड़ चुका है। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ये काफी हैरान करने वाला है। जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रनीति से अलग जाकर ये बैठक की और उन्हें देश को समझाना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत थी। जेटली ने ये भी कहा है कि माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने राष्ट्रनीति का उल्लंघन किया है। केंद्र सरकार ने अब कॉन्डोम के एड्स के लिए समय तय कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि कॉन्डोम के एड बच्चों पर बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ देर रात दिखाए जा सकते हैं। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब कॉन्डोम के एड रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दिखाए जा सकेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मुख्य बस टर्मिनल पर सोमवार को आतंकवादी हमले की कोशिश में एक बांग्लादेशी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध का नाम अकायद उल्ला है, जिसकी उम्र 27 साल है और वो बांग्लादेशी अप्रवासी है। अकायद उल्ला ने अपने शरीर पर देसी बम बांध रखा था, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो गया। अकायद ने एक मेट्रो स्टेशन पर विस्फोट किया, जिसमें 4 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का इराक से सफाया हो गया है, लेकिन अब ये भारत सहित एशिया के दूसरे देशों में पैर फैलाने की कोशिश में है। इसको ध्यान में रखते ही आईएस ने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काते हुए एक नई अपील की है। आतंकी संगठन ने इस राज्य के मुसलमानों को खलीफा के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ने को कहा है। आईएस ने लड़ाई के रास्ते में रुकावट बनने वाले भारत और पाकिस्तान के जवानों के सिर काटने की भी अपील की है। इस संबंध में इस्लामिक स्टेट की मैगजीन रूमिया में एक लेख भी लिखा गया है। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स वाले।